now I would like to call on stage stand-up comic Gaurav Kapoor. A huge round of applause. Yay! Hello. कैसे भाई? ओके गाइस, थोड़ा सा एक बार और जोरदार तालियां बजा दो प्लीज, थोड़ा सा हमें फील आ जाएगा. गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास प्रोग्राम युवा में. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. युवा मानते हैं आप अपने आप को? भाई अब घुटनों का दर्द का पूछो तो नहीं मानते. पर वैसे तो मानते हैं. शाम को हम दोनों की कमर जरूर दर्द होने वाली है, एंड दैट्स द फर्स्ट साइन दैट वी आर नॉट युवा एनीमोर. बट मन से है, और आप बात करते हैं युवा की क्योंकि आपकी बहुत सारी वीडियोस जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, जॉब्स की बात होती है. आप खुद पहले एक जॉब करते थे, नाउ कैन वी कॉल यू एन एंटरप्रेन्योर? कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर या फ्रीलांसर इज द वर्ड. आई थिंक फ्रीलांसर इज द वर्ड. हु नेवर वर्क्स फॉर फ्री, या दैट्स द टर्म एक्सेप्ट इन एनडीटीवी शोज. Yes, we have his act also lined up after this, so stay there. I know thodi si bhook lagni shuru hogi hogi, but he'll really fill us up with a lot of laughter. But Gaurav, aap job employment ki baat bahut zyada karte hain. Correct. Aap bataiye, ek aapka video tha jisme aap kehte hain ki yaar jinke paas generational wealth hai, baap ka cash hai, wo ash kyun nahi karte. Aap bataiye, khud ka business ya phir job, क्या क्या पिक करना चाहिए एक एक यंगस्टर को? यार आई थिंक ओवर द पीरियड तो खुद का बिजनेस ही बेटर होता है. व्हेन यू स्टार्ट ऑफ आई थिंक जॉब्स आर गुड टू गेट एक्सपीरियंस, ताकि जो गलती करनी है दूसरे के बिजनेस में कर लो आप, उसको जितना नुकसान देना है दे दो. एंड देन यू आफ्टर यू लर्न देन यू शुड गेट इन टू योर ओन थिंग, बिकॉज ओवर द पीरियड यू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. इज दैट अ करेक्ट फ्रेज? ऑफ कोर्स इट इज. कैन यू आल्सो नो अबाउट योर जर्नी, लाइक हाउ डिड यू थिंक कि अब मेरे को कॉमिक बनना है? यार मैंने ना जॉब के साथ पैरेलल ही करा था 2-3 साल, ना मतलब 4 साल. तो व्हेन आई हैड इनफ मनी, इनफ सेविंग्स थ्रू माय जॉब, देन ओनली आई स्टार्टेड डूइंग फुल टाइम स्टैंड अप. बिकॉज मतलब मैंने सोचा था अगर 1 साल तक मैं कुछ काम भी नहीं करूंगा, 1 रुपया भी नहीं आया, तो मैं रेंट वेंट दे सकता हूँ, चिल कर सकता हूँ. ये ओनली आई स्टार्टेड. रियलाइजेशन कब हुई कि मैं फनी हूँ? यार वो तो मेरे को अभी तक नहीं हुई है इतनी. पर ठीक हो गई थी, बट स्कूल में ही, लाइक आई वॉज द फनी गाय इन द ग्रुप. ओके, या एंड हु इज फनीएस्ट इन योर फैमिली? आई थिंक आई एम द फनीएस्ट गाय इन माई फैमिली. Because my family is very एकदम वो नहीं होता, एकदम पिताजी वैसे वाला सीन है फैमिली में तो. अच्छा, मुझे लगा था किसी ना किसी से पिक जरूर किया होगा, बिकॉज ऐसा होता है फैमिली में, किसी ना किसी से ये स्किल उठाते हैं. बट लाइक नहीं यार, I'm the first generation of comics in Kapoor Khandan in my family. Yeah. Lovely. But your wife is also very funny. Yeah, she is funny. Yeah, she's good. Like, let's also talk about love and relationship. How important is that for career? Love and relationship for career? Yeah. I mean, sometimes if you're a vlogger, then it is fine because people like to watch your family life and all. Then it's good for your career. Yeah, otherwise, toh kya hi zarurat hai yaar, career toh alag hai, love relationship alag hai. Support mil jata hai thoda aur kya. बढ़िया. और वहीं हम अलग अलग ऑब्वियसली जो मुद्दे हैं उन पर बात करने वाले हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी ऑल्सो. आपको अभी तक की क्या यूजलेस टेक्नोलॉजी लगती है? यूजलेस टेक्नोलॉजी, एक पेजर आता था. डू यू गाइस नो पेजर? And they're too young to know what pager these, is. These school kids, they have no idea, nahi? Some of them have idea, no? Ab mujhe pata chal raha hai, main budha ho chuka. School kids are wondering, ye kya budhe baat kar rahe hain pager ke bare mein. Wo time pass cheez thi, sabse useless product tha wo ever. Kyunki jab tak uska message logo pe jata tha, tab tak wo banda already ghar aa chuka hota tha. And aapko kya lagta hai, sabse revolutionary cheez kya hai technology mein? Sabse revolutionary to I think yaar phone hi hai, kyunki usi ne hamara career banaya hai. Baaki to baaki AI vi aa raha hai, usko dekhenge jab aayega. ओके वहीं साथ ही साथ ट्विटर पर भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं, #NDTVYuva. अगर आप भी यूज करते हैं तो आपके सवाल भी हम तक पहुंच सकते हैं, और उन्हीं सवालों को हम गौरव के सामने भी रखेंगे. कोशिश करेंगे कि ऑडियंस से भी किसी का सवाल ले, लेकिन उससे पहले हम हमारे जो कुछ सवाल हैं वो हम यहाँ पर पहले खत्म कर लें, देन वील ऑफकोर्स गो टू दी ऑडियंस. हाउ इंपॉर्टेंट आर लुक्स इन अ करियर लाइक आर्स? हाउ इंपॉर्टेंट इज वैनिटी? आई मीन यार फर्क तो पड़ता है. इन स्टैंड अप कॉमेडी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई फील, बिकॉज यू आर इफ आर गुड विद योर जोक्स, इफ आर गुड विद योर राइटिंग, पीपल कम फॉर दैट ओनली. बट इन जनरल इन शोबीज लुक्स तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. वी हैव सीन इन द पास्ट ऑल्सो, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन विद, अभी तो बोल नहीं सकते, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन विद अगली फेस. That could also be problematic, but yeah, that's the best that he could do. Yeah. Yeah. Okay. But why I ask this is because we're talking to youngsters here who are always on social media, yeah, right? Yeah. And मुझे लगता है कहीं ना कहीं
ये एज ही ऐसी है जिसमें हम बहुत ज्यादा यू नो कॉन्शियस हो जाते हैं अबाउट द वे वी लुक एंड आवर हाइट और लाइक फॉर गाइज मे बी यू नो बॉडी शेप साइज एंड ऑफ कोर्स इट गोज फॉर बोथ द जेंडर्स बट आपको लगता है कि आज की जनरेशन के पास ज्यादा वो कॉम्प्लेक्सेस हैं क्योंकि आपके काफी यंग भाई बहन भी हैं हाँ, हाँ, हाँ. हाँ. यार नहीं आई थिंक आज की जनरेशन में फिर भी इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास तो थी नहीं हर वक्त कैमरा के आगे हैं तो डोंट यू थिंक उसमें कॉम्प्लेक्स ज्यादा ऐड हो रहा है आई डोंट थिंक सो कि बिकॉज दे हैव इन्फॉर्मेशन सो मच इन्फॉर्मेशन है ना कि बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर ये लोग देखते जा रहे हैं स्पेशली जो अर्बन पॉपुलेशन है हमारे में तो भाई स्कूल में ऐसा बेइज्जती करते थे ना मोटा काला सब बोलते थे यार अभी तो ये सब एकदम खत्म हो गया कम हो गया पीपल आर ऑल्सो कंसिडरेट ऑफ यू की ठीक है ये सब वर्ड यूज नहीं करने एंड वी शुड कंसिडर बॉडी पॉजिटिविटी तो तुम ये सब रिले देखते रहो कोई टेंशन नहीं है और आपको लगता है कि अब इनके लिए लेकिन करियर चूज करना भी ईजी हो गया लाइक करियर लाइक ऑफ बीट करियर्स लेट्स से अगर 5-10 साल पहले हाँ. आपने जब कॉमिक बनने का सोचा होगा बहुत डाउट होंगे एंड यू डिड इट विद द जॉब बिकॉज यू ऑलवेज वांटेड दैट सेफ्टी नेट यू थिंक इट्स इजियर फॉर देम या इट्स इजियर फॉर श्योर बिकॉज नाउ दे नो कि अभी सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है बाकी बहुत सारे जगहों पे दे कैन मेक देयर करियर्स क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगेन इन्फॉर्मेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट तो वो सब आ गया लोगों के पास तो इट इज इजियर फॉर देम बट टू मेक इट इज डिफिकल्ट नाउ बिकॉज नाउ देर इज कॉम्पिटिशन इन दीज फील्ड ऑल्सो आज से 5-7 साल पहले इतना किसी को पता ही नहीं था तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो हम तो मजे मार रहे हैं उसके पर आप लोगों के लिए टफ होने वाला और एक स्टडी है एक नहीं बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि जो जेन ज़ी है वो ज्यादा दुखी डिप्रेस्ड परेशान है हाँ व्हाई इज दैट सो एंड आई विल आल्सो हियर अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम यू गाइस एज वेल आफ्टर वी हियर हिज आंसर बट व्हाई डू यू थिंक दैट्स हैपनिंग यार बिकॉज लॉट ऑफ अस आर स्पेंडिंग टू मच टाइम्स इंडोर्स आई थिंक बिकॉज वही बाहर खेलो वेलो तो ज़्यादा पॉजिटिविटी और वो सब रहता है पर इंडोर्स भी इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना तो उस वजह से फोन पे लगे रहते हैं देन यू लुक एट अदर पीपल ऑल्सो वॉट दे आर डूइंग एंड यू फील दैट उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर चल रही है राइट तो देन यू हैव दैट कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जाम्पल इफ दे सी दैट झुमरू इज डांसिंग एंड नाउ देर इज 1 मिलियन व्यूज सो समटाइम्स दे विल फील कि अरे ये तो गलत चल रहा है भाई ये मजे मारते मारते इतना पैसा कैसे कमा रहा है तो इससे सबका मूड खराब हो जाता है इनफैक्ट आपके थोड़े दो चार कलीग्स का भी मूड खराब होता होगा I've also just hit 1 million followers guys Thanks. Yeah, so please. You can cheer on that. Sorry for this not so subtle plug-in, but you very right. ये number game. जैसे मुझे लगता है कि मुझे भी कभी-कभी ये affect जरूर करता है. I know हम ये बोलते जरूर है कि you know numbers don't matter. Do numbers matter to you? यार हाँ मतलब when you are into this particular industry then numbers do matter to us because whenever you put out a reel you keep checking कि कितना गया कितना गया. Or do they matter when there are numbers? When? There are numbers. क्योंकि मैं 2015 से YouTube कर रहा हूँ उसपे 70 views आते थे and I used to say numbers don't matter. But now when I have, I say numbers. हाँ, फिर अब वो जाता है ना कि 1 million जा रहा है कुछ suddenly next वाला 2 lakh गया देने लगे कि अरे अब क्या खराबी हो गई है मेरे साथ. तो numbers matter. Numbers matter for sure. You get it. Yeah, for sure. But how do you deal with that? कुछ नहीं अब तो acceptance आ गई है भाई. वक्त के साथ इंसान सीख ही जाता है तो मैंने कहा नहीं भी आया तो ठीक है नेक्स्ट डालेंगे नेक्स्ट में बेटर हो जाएगा. एंड प्लस द थिंग इज दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री. यू कैन नॉट फील कि एवरी आपकी हर चीज 2 million, 3 million बड़े नंबर्स नहीं मारे. एवरीथिंग कैन नॉट बी वायरल. सो यू कीप मेकिंग योर कंटेंट देन ओवर द पीरियड समथिंग विल हिट विद द ऑडियंस देन इट विल बी वायरल. तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. यू ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ ब्रांडेड वर्क. कैन यू गिव अस लाइक सम फनी इनसाइट इनटू व्हाट दोस कन्वर्सेशंस आर लाइक बिकॉज़ हम सब जो क्रिएटर्स हैं जब हाँ जितने भी वो जो कॉर्पोरेट वाले लोग मैनेजर्स आया हां जो बहुत सारे आई एम श्योर यहां पे भी सूटेड बूटेड लोग हैं बट जैसे ही हम वो सूटेड बूटेड लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं ना सम फनी थिंग्स दैट कम अप एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दे से कैन यू गिव अस एन इनसाइट ऑफ व्हाट दैट गोस लाइक. सो आई विल टेल यू फॉर एग्जांपल आई व्हेन आई साइंड अप फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट सो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ऑन कॉल दे वर लाइक गौरव आपको जो करना है करो वी वांट यू एज यू आर. आपको जितने जोक्स मारने आपको जो जोक्स मारना है वो करो. आई बाहर मुझे बोल रहे गौरव पॉलिटिक्स मत करना प्लीज. So that was like one incident that happened. It's just that we are live. Yeah. And मैं बता देता हूँ मैंने गौरव का शो अटेंड किया हुआ है तो मैं भी काफी ज्यादा डरा हुआ था. हाँ, I remember last time when I attended this show, I asked him, can I bring my parents? He said no, in caps. मैं अभी भी डरा पड़ा हूँ कि किसी अंदर परफॉर्म करना मुझे लग रहा है मेरे मुझसे कुछ निकल ना जाए क्योंकि मुझे आदत लगी हुई है ना इसीलिए. ठीक है बढ़िया है. अब अभी आप जब सोशल मीडिया देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं हाँ. पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आपने देखा है मेन स्ट्रीम मीडिया में? मेन स्ट्रीम मीडिया में मतलब द होल थिंग यार अच्छा बोलना अलग हो गया है थोड़ा. लोगों ने देखना कम कर दिया है वैसे तो मतलब डिजिटल पे अब ज्यादा डिजिटल पे ज्यादा फोकस हो गया है. मेन स्ट्रीम पे पीपल आई डोंट मतलब मेरी मॉम भी जो पहले टीवी रेगुलर देखती थी नाउ शी इज ऑल्सो ऑन ओटीटीज एंड ऑल शी इज ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया. तो ये तो आई थिंक पिछले 5-6 साल में हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था पीपल थॉट कि दिस इंटरनेट एंड ऑल विल बी फॉर यूथ ओनली एंड पेरेंट्स विल स्टे देयर
But I think over the period you must have also realized that parents have also shifted to internet and social media and everywhere. तो ये हुआ है कि थोड़ी ऑडियंस तो कम हो गई है। Since you mentioned your family, कोई ऐसा कैरेक्टर है आपके घर में, परिवार में, relatives में, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? Like I pick a lot from my dad. Yeah. Do you pick? Yeah, I've seen all I do a lot of dad sketches, but because I think it's really funny, the innocence also. Yeah. But कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं? यार मैं ना जिस एरिया में, I have grown up in West Delhi, तो वहाँ ना हर कोई एक कैरेक्टर है। Anybody from West Delhi here? Can we hear a cheer? अरे बहुत ही शर्मी में हाथ उठा रहे हो। ये सब साउथ दिल्ली स्कूल वाले बच्चे हैं। No, there is one hand that I saw. Of course, West Delhi is an absolutely colorful character. Yeah, so over there, there are a lot of characters over there. मतलब if you come over there, ना, you'll talk to people. Characters like what? कैसे बताऊँ? जैसे आपके पंजाबी डैड वाले कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, जो रैंडम लोग, जैसे मैंने वहाँ पे लोग देखे हैं, जो कि हमें भी नहीं पता, वो बचपन से एक दुकान पे सुबह आके खड़े हो जाते हैं और शाम तक वहीं खड़े रहते हैं और वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है। मुझे पता नहीं आदमी पैसा कैसे कमाता है, बस वो मेरे को पता है जब रावण नहीं बनता दशहरे के टाइम पे, उस टाइम जब वो रावण लगवाता वहां पे कमीशन खा लेता थोड़ी। तो इस टाइप के बहुत सारे लोग आपको वेस्ट दिल्ली में मिल जाएंगे, हंसी मजाक करते हुए, स्कूटर पे बिना हेलमेट के बाइक स्कूटी चलाते हुए। और वेस्ट दिल्ली की अपनी एक डाइटिंग प्लान भी है। हाँ, वेस्ट दिल्ली में फूड तो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है दोस्तों, अभी इट्स नो मोर रेगुलर फूड इन वेस्ट दिल्ली। मोमो शुरू हो गए, एवोकाडो आ गया, थोड़ा पंजाबी बाग एरिया में आया है, अभी विकासपुरी में आने में टाइम लगेगा। Before I move on to next segment, can we have a huge cheer for Gaurav and West Delhi people? Now we have an improv segment where I'll do some lines. You have to complete those. We're calling it improv and we've not discussed it. I'll say one line, you have to complete it. Subah jaldi nahi uthta kyunki? Kyunki mere ko yaar subah pressure lag jata hai and main chahta thoda late lage. हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी। मोई मोई। You have to complete this. हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी। मैं वही तो बोला, मोई मोई हो गया उसका तो पहले। पहले मैं जो बहुत गंदा मोई हुआ है उसके साथ। रील्स देखने की बेस्ट जगह। रील्स देखने की बेस्ट जगह वॉशरूम ही है दोस्तों, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली जीरो डिस्टर्बेंस। कंपनीज में एचआर का काम तो यार मुझे लगता है बहुत काम होता है एचआर का। इट इज ऑल फेक नैरेटिव दैट एचआर डोंट वर्क, दे डोंट ओनली मेक रंगोलीज, दे डू रेगुलर वर्क आल्सो ओवर हियर आल्सो। एचआर ओनली बुक्ड मी एंड माय पेमेंट हैजंट बीन क्लियर येट, सो इट्स ओके। गौरव कपूर के शोज में पेरेंट्स के साथ मत आए। एल्विश भाई के आगे सबको बोलना चाहिए यार। आई विल से इट, एल्विश भाई के आगे कोई पुलिस बोलती, पुलिस पुलिस ने बोला बहुत तेज एल्विश भाई के आगे। इस देश के युवा का इस देश के युवा का कुछ नहीं हो सकता। आप लोग ने इतनी सीरियस बात पढ़ा रहे हो, इनका घर जाकर उनको यही करना है भाई, ऑल दे वांट टू डू इज वॉच रील्स। शादी का एक फायदा तो शादी का एक फायदा तो होता ही है, बिकॉज यू हैव एक ना एक फायदा तो होता ही है यार। ओके, एज अ पंजाबी मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि हम लोग सब लोग दारू नहीं पीते हैं। देर आर पंजाबीज हु ऑल्सो डोंट ड्रिंक, हु हैव गुड बॉडी, हु डू प्रॉपर डाइट्स ऑल्सो एंड हु आर वेजिटेरियंस ऑल्सो, हु आर वेजिटेरियंस ऑल्सो। या मॉल्स में जाते ही मजा आ जाता है एसी में रह करके। लवली, नाउ वील ओपन द फ्लोर टू द ऑडियंस, वी कैन हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस बिफोर आई मूव ऑन टू द क्वेश्चन दैट वी हैव गॉट ऑन ट्विटर। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अ क्वेश्चन फॉर गौरव कपूर। देयर वी हैव two ladies are raising their hand, can we quickly send the mic to them? Yeah, and guys aap log thoda chill ho jao, ye abhi pichla wala session nahi hai, darna nahi hai, theek hai, aise ki ekdam dar karke sawal puch rahe, relax ha, comfortable. Hello sir, my name is Ananya Maini, I am from AFT University Noida. So Ananya many from? Rockstar from AFT University. AFT, okay. So my question is, Rockstar mein aisa ek dialogue tha that every artist has one thing in common, which is pain. So I want to ask you, amongst all these stand-up comedians or content creators, what is that one thing that fuels you to, you know, do stand-up comedy or come up with such jokes? Yaar, wo ek generic statement hai ki, it's a defense, humor is a defense mechanism of any person. Sirf comedians nahi, aap logon mein bhi funny log honge na, aapke friends wagera honge. To wo defense mechanism hota hai, wo pain keh lo ya usko people convert it into humor, right? Because otherwise they'll have to face that. समझ रहे हो, जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि पहले वो बॉडी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत थी कि आप छोटे हो, आप मोटे हो, वो सब बोलते थे, तो पीपल यूज टू क्रैक जोक्स ऑन देमसेल्व्स ओनली, राइट, टू डील विद दैट, सो दैट पीपल लाफ एंड दे एक्सेप्ट अस इनटू द सोसाइटी।
तो एक वो रहता है वो, बट इट्स अ वेरी जेनरिक थिंग. सब में ऐसा पेन वेन नहीं होता मेरा, ठीक है. आई थिंक अरुण का भी चेल है ब्रो, देयर इज नो पेन एट ऑल, नो ट्रॉमा देयर. बट हां ये जरूर होता है जब भी मैं किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में होता हूं तो मैं कुछ जोक करा करके हां ऐसे, इट्स लाइक वो मैसेजेस नहीं भेजते हम, जब भी कुछ रूट भेजना होता है लिख के उसके बाद ही हां इट्स दैट, इट्स अ लॉट ऑफ लाइक इट कम्स फ्रॉम दैट स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हेलो सर, आई एम आर्या मिश्रा फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. हाय. सो सर अभी आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका जो फील्ड है उसमें यू हैव टू बी चेयरफुल एंड क्रैकिंग जोक्स ऑल द टाइम, तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि नहीं मन है हंसने का, नहीं मन है जोक क्रैक करने का, पर फिर मतलब कुछ लाइक मूड ऑफ है, लाइक हाउ डू यू डील विद ऑल योर मूड स्विंग, मूड स्टफ, एंड लाइक हाउ डू यू मेक योरसेल्फ टू कम एंड क्रैक जोक्स ऑल द टाइम? सो ऑल द टाइम मेरे को तो एक घंटे का शो करना होता है, वहाँ जोक क्रैक करने होते हैं. तो वहां पे आपको फनी होना पड़ता है, पर इन जनरल पीपल एक्सपेक्ट अस टू बी फनी ऑल द टाइम. तो मैंने उसका एक तोड़ निकाल लिया, व्हेन एवर आई एम इन पब्लिक प्लेस मैं एकदम मुंह सड़ा के रखता हूँ अपना, ताकि सामने वाले को लगे कि इसका मूड खराब ही चल रहा है. तो इस चक्कर में वो आके मेरे से बात भी नहीं करते. तो इट्स लाइक यू डोंट हैव अ प्रेशर टू बी फनी ऑल द टाइम, यू जस्ट हैव अ प्रेशर टू बी फनी ऑन स्टेज, एंड दैट्स वर्क, राइट? यू हैव बैड डेज एट वर्क ऑल्सो, बट देन यू हैव टू सेंड रिपोर्ट्स, सो यू हैव टू सेंड रिपोर्ट्स. तो इट्स फाइन, वन आवर यू कैन बी फनी इन अ डे. Before we move on to the next question, I have a question from Twitter. Aditya Verma is asking, Gaurav Kapoor, how do you ensure your jokes resonate with today's youth while still delivering meaningful messages that provoke thought and reflection? Kafi heavy hai question. Yeah, provoke thought reflection. Ah. I only agree with this guy's first point. Youth se resonate kar lena chahiye. Thought provoking, yaar aise ek pressure nahi hai, pata hai. Sab, like people usually say, if you're a public personality, you should always give a message. I don't think so, to be very honest. मतलब मैं तो भाई अपने जोक करता हूँ जो लोगों को मजा आता है और ऐसे. But I think what he's asking is that what is your process? He's asking how do you ensure your jokes resonate with youth? So I want to know this, like what is your process? क्योंकि हमारा relatability पे काम चल रहा है, right? कि joke ऐसा करूँ कि उसपे हर कोई हा 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 करे. But what is your process like? Process is such that we are in the audience only, right? We are amongst the people, so I normally stay amongst the people. ऐसे नहीं कि अगर मेरे फॉलोअर बन गए तो मैं कहूँगा मैं राजा हूँ तो मैं दुनिया से अलग हो गया. वी आर स्टेइंग इन द पीपल, आई ट्रैवल एवरीवेयर, मैं टिक्की विक्की खाने भी जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है. तो यू गेट द जोक्स फ्रॉम द पीपल ओनली, देन यू हैव वन ऑब्जर्वेशन, देन यू ऑब्वियसली डोंट पुट दैट ऑब्जर्वेशन आउट, देन यू राइट अराउंड दैट ऑब्जर्वेशन, यू राइट अ फुल थॉट अराउंड दैट ऑब्जर्वेशन, देन यू ट्राई इट विद 3-4 पीपल कि ये फनी है कि नहीं है, मतलब रेगुलर कॉन्वर्सेशन में डाल डाल के, देन इफ इट इज फनी देन वी पुट इट आउट. वन लास्ट क्वेश्चन. हेलो. हाँ जी भाई. अभी आपका, आप गौरव कपूर ब्लॉग्स वाला करते रहते हो, आपका इतना दोस्त वाला ग्रुप है, सब लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस, उसमें आपके हिसाब से कौन है जो इन रियल भी उतना ही फनी है? ऐसे जरूरी नहीं है कि स्केच लिख दिया, इन रियल भी उतना ही फनी है. और कौन है जो रियल में सबसे बोरिंग है, बट लाइक जैसे सब लोग है, आकाश गुप्ता है, अपना बस्सी सर है, राहुल दो है, सब में देखते हैं कि आपके हिसाब से कौन है जो सबसे फनी है और कौन है जो इन रियल बोरिंग है पर स्केच में ये लिखते हैं? यार सबसे फनी तो मेरे हिसाब से मिस्टर गौरव कपूर है. आपके अलावा? आपके अलावा? नहीं नहीं नहीं, मैं रियल भी ठीक ही हूँ, मतलब आई एम लाइक अ फनी गाय इन जनरल, बट यार देयर इज गौरव गुप्ता हु इज ऑब्वियसली वेरी फनी, ही इज रियली फनी इन रियल लाइफ ऑल्सो. और रियलिटी में बोरिंग, यार ये मैं बोल दूँ क्या? बोल देता हूँ यार. यार बस्ती ज्यादा बातें नहीं करता, पता हमसे वो नहीं, वो नहीं ना. वो मस्त मजे में रहता है, तो ही इज लाइक द फनी गाय ऑन स्टेज, बट इन रियलिटी ही इज लाइक स्लाइटली क्वाइट एंड ऑल. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस, बट ऑफ कोर्स वी गॉट द फनीएस्ट गाय फ्रॉम दैट ग्रुप, गौरव कपूर. ही हैज अ सेट लाइंड अप फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक्स गौरव फॉर दिस अमेजिंग. थैंक यू भाई, थैंक यू. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सारे सवालों का जवाब देने के लिए. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. तो बहुत अच्छा लगा इधर आके. नहीं बहुत फास्ट नहीं हो गया हमारा इंटरव्यू वैसे? ऐसा लगा है आपको, है ना? जिन्हें जिन्हें भूख लगी है शायद उन्हें पता लग रहा होगा. प्लीज वी कैन सेट दैट माइक अप, बट इन द एंड वी आर आल्सो डूइंग अ कैंपेन कॉल्ड एनडीटीवी 18 का वोट, वेयर वी आर प्रमोटिंग, आई डोंट नीड दिस, या वेयर वी आर प्रमोटिंग यंग वोटर्स टू गो आउट एंड वोट. इफ यू कैन लुक इनटू वन ऑफ द कैमरास एंड गिव आउट दैट मैसेज फॉर एनडीटीवी 18 का वोट. एनडीटीवी 18 का वोट. हाय गाइस, माय नेम इज गौरव कपूर एंड आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन. दिस इज द मैसेज फॉर एनडीटीवी 18 का वोट. जो भी यंग वोटर्स हैं, स्पेशली जिनका फर्स्ट टाइम वोट जा रहा है, दोस्तों प्लीज 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 रीड अबाउट द लीडर हु इज देयर इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड देन ओनली वोट. ठीक है, पढ़ लिख करके समझ के देना वोट, क्योंकि मैटर करता है. ठीक है, ऐसे नहीं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख के वोट नहीं करना है. ठीक है दोस्तों. एंड आई एम ऑल्सो व्लॉगिंग हियर फ्रॉम द स्टेज, जस्ट वेव फॉर माई व्लॉग एंड यू टू. Can we have a cheer also?
Lovely audience. Thank you so very much. Thank you. And now we have Gaurav Kapoor for all of you. Thank you.